नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, आप चैनल पर या फिर कहीं और जितने भी भयानक एक्सीडेंट्स देखते आ रहे होंगे जो हाई स्पीड में होते हैं, वो ज्यादातर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर होते हैं, क्योंकि यहीं पर रोड्स की स्पीड लिमिट 100-120 तक होती है। इसीलिए ड्राइवर इन रोड्स पर अपनी गाड़ियां उड़ाते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा सिटीज के अंदर भी बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मतलब लड़ने के बाद गाड़ियां खत्म ही हो जाती हैं। अब यहां के रोड्स की जो स्पीड लिमिट होती है वो बहुत ज़्यादा 40 से 60 किलोमीटर पर आर से ऊपर नहीं होती है, और इतने स्पीड में भी आपको कई जगह ध्यान देकर या रुकते रुकते अपनी गाड़ी निकालनी होती है। ऐसा नहीं है कि 60 स्पीड लिमिट है तो गाड़ी इससे नीचे आएगी ही नहीं, चाहे कट हो या फिर क्रॉसिंग, जगह के हिसाब से स्पीड कम करनी पड़ती है। लेकिन यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वो कभी भी कट या क्रॉसिंग्स पर गाड़ी की रफ्तार को स्लो नहीं करते, जिससे दूसरे चल रहे व्हीकल्स से उनकी टक्कर हो जाती है। और आज जो भयानक एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो भी इसी लापरवाही का नतीजा है, जिसे पंजाब से मिस्टर अनिल ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली पंजाब के मोहाली में ओल्ड जनरेशन टोयोटा इनोवा और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बीच में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रात के समय जम्मू कश्मीर से एक सेकेंड हैंड कार डीलर गुजरात से इनोवा खरीद कर वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तभी सेक्टर 80 के आसपास एक इंटरसेक्शन पर दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो अनकंट्रोल होकर पलट भी गई। यहां पर बताया जा रहा कि स्कॉर्पियो में 4-5 कॉलेज स्टूडेंट्स मौजूद थे, जिनकी एज वही 20-21 साल के अराउंड थी। हालांकि टक्कर का एग्जैक्ट रीजन क्या था वो क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लोगों के मुताबिक स्कॉर्पियो की स्पीड हद से ज्यादा तेज थी। जिन्होंने मुझे एक्सीडेंट शेयर किया है उन्होंने बताया कि एसयूवी को करीब 130 से 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड में चलाया जा रहा था, और आई विटनेस के मुताबिक इसने एक रेड लाइट पोल को भी तोड़ दिया था। अब ये इनोवा में लड़ने से पहले हुआ या बाद में वो नहीं पता। लेकिन भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड का सबसे बड़ा रोल तो है इस एक्सीडेंट में। ये जो एक्सीडेंट है वो 100 किलोमीटर पर आर से नीचे तो नहीं हुआ है, उससे ऊपर ही हुआ है। रिसेंटली मैंने आपको चंडीगढ़ का एक एक्सीडेंट दिखाया था, जिसमें महिंद्रा थार और ह्यूंडई ओरा शामिल थी। वो एक्सीडेंट भी बिल्कुल ऐसा ही था, हालांकि वहां पर गाड़ियों की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी थार की स्पीड 45 से 50 किलोमीटर पर आर के आसपास थी। वहीं ओरा को 70-75 की रफ्तार में चलाया जा रहा था, और आप इन वीडियोस में देख सकते हैं गाड़ियां बहुत ज्यादा कोई डैमेज नहीं हुई हैं, और पैसेंजर्स भी दोनों गाड़ियों के सेफ थे। अब इतने ही रफ्तार में स्कॉर्पियो और इनोवा लड़ी होती तो इसमें भी बहुत ज्यादा कोई नुकसान ना आता, लेकिन यहाँ पर डैमेज उन गाड़ियों से कई गुना ज्यादा है, यानी कि इनकी टक्कर भी लगभग दोगुने स्पीड में हुई होगी। और ये चीज भाई आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, इनोवा का लेफ्ट साइड जो है वो अंदर घुसकर पूरी तरह खत्म हो गया है। स्कॉर्पियो के डायरेक्ट इंपैक्ट से इसका दोनों डोर मुड़कर अंदर घुस गया, ABC पिलर्स और रूफ अंदर घुस गए, पहिए टूटकर बाहर आ गए, फ्रंट वाला हिस्सा काफी हद तक मुड़ गया, और कैबिन भी तहस नहस हो गया है। गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह टूटकर पूरा बाहर आ गया। तो ओवरऑल लेफ्ट साइड से इस गाड़ी में कुछ भी सेफ नहीं बचा है। वहीं दूसरे तरफ महिंद्रा स्कॉर्पियो को देखा जाए तो इसका फ्रंट कुछ हद तक गायब ही हो गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं इसका बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर वगैरह सब कुछ टूटकर बुरी तरह से डैमेज हो गया है। इसके अलावा पलटने वलटने की वजह से इसके डोर्स डैमेज हो गए, छत कुछ हद तक मुड़ गया, और पीछे वाले हिस्से में भी डैमेज आ गया है। हालांकि गाड़ी में इधर नुकसान कैसे आया वो नहीं पता, हो सकता है गाड़ी अनकंट्रोल होकर पोल्स या फिर डिवाइडर वगैरह में लड़ी हो, जिस वजह से इसका बैक साइड भी डैमेज हो गया हो। कुल मिलाकर स्कॉर्पियो का भी काफी भयानक हाल हो गया है, और ये हाल भाई कम स्पीड में होना इम्पॉसिबल है। हालांकि आप देख सकते हैं गाड़ी के पिलर्स पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, ये ना तो कहीं से कोलैप्स हुए हैं और ना ही मुड़कर अंदर घुसे हैं, और इसके सारे एयरबैग्स भी खुले हुए हैं। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली स्कॉर्पियो में बैठे को ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट इंपैक्ट से इनोवा के ड्राइवर को भी काफी ज्यादा चोटें आ गई थी, और अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो गई। तो भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन पर ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और लोग अक्सर यहीं पर चूक जाते हैं। हालांकि दिन के समय तो लोग सिटीज़ के अंदर तेज़ रफ्तार में अपनी गाड़ी नहीं दौड़ा पाते, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो ऐसे में तेज़ रफ्तार में चलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन रात के समय अक्सर ही ये रोड्स खाली होती हैं, इसलिए लोग सोचने लगते हैं कि अब खाली रोड है, हम अपनी गाड़ी को कितने भी तेज़ रफ्तार में भगा सकते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इन रोड्स की जो स्पीड लिमिट होती है वो सोच समझ कर रखी जाती है, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है। ये रोडें चाहे जितनी भी खाली हो, आपको अपनी गाड़ी लिमिट के अंदर ही रखकर चलाना है, और ऐसे इंटरसेक्शंस को हमेशा कम स्पीड में और बहुत ही ध्यान देकर क्रॉस करना होता है। अगर ये सारी चीजें आप दिमाग में रखकर चलेंगे तभी आप सड़क पर चलते हुए सेफ रह पाएंगे।
और भाई यंगस्टर्स से खास कर रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे भौकाल दिखाने के चक्कर में हाई स्पीड में ड्राइविंग मत करें, क्योंकि गाड़ी कितनी भी मजबूत बिल्ड क्वालिटी वाली 5 स्टार रेटेड क्यों नहीं होगी, अगर इसका एक्सीडेंट 140 से 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड में होगा तो ना इस गाड़ी में बैठे लोग सेफ रह पाएंगे और ना ही ये जिससे लड़ेगी उस गाड़ी के लोग सेफ रह पाएंगे, और ये एक्सीडेंट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो भाई थोड़े से मौज मस्ती के चक्कर में अपने और दूसरों के जान से मत खेलें।